फ्रेंड, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या में। आज मैं कुछ अलग तरह की रेसिपी लेके आई हूँ। हम हमेशा ही कच्चे आम से चटनी और मुरब्बा बनाते हैं, बट आज मैं मीठे और पके हुए आम से मुरब्बा बनाऊंगी। और ये एक ही तरह के आम से बनाया जाता है, तोता परी आम लिया है। ये पका हुआ आम है। इस आम की सबसे बड़ी खासियत है कि यह पकने के बाद भी टपकता नहीं है। तो देख लेते हैं किन चीजों की जरूरत होगी हमें मुरब्बा बनाने के लिए। दो तोता परी आम लिया है, ये 700 ग्राम के करीब है। 300 ग्राम चीनी लिया है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स है, काली किशमिश, थोड़े से काजू, बादाम, पीला वाला किशमिश, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून जीरा, साबुत जीरा लिया है, आधा छोटा चम्मच काला नमक, 8 से 10 दाने काली मिर्च के लिए है, 3 छोटी इलायची लिए है, 1 तेजपत्ता लिया है, 1 बड़ा चम्मच मगज का लिया है। आम को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, इसका छिलका हटाना है हमें। दोनों आम छील लिया है मैंने, आम के पीसेस कर लेंगे। पीसेस आप अपने पसंद के अनुसार थोड़े से बड़े या छोटे रख सकते हैं। आम के पीसेस में चीनी डाल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। आम के पीसेस में चीनी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ढक के इसको 3-4 घंटे ऐसे ही रख देंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। चीनी अच्छे से घुल चुका है, गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई अभी थोड़ा गीला है तो इसको सूख जाने देते हैं। कढ़ाई का पानी अच्छे से सूख गया है, आम और चीनी वाला मिश्रण डाल लेंगे। पानी इसमें हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। मुरब्बा को बीच बीच में चलाते हुए एक उबाल आने देंगे। मुरब्बा में उबाल आने लग गया है, गैस को स्लो पे कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे, तेजपत्ता, साबुत जीरा, काली मिर्च, क्रश किया हुआ इलायची, मगज, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मुरब्बा को ढक के कुछ देर पका लेंगे। मुरब्बा चेक कर लेते हैं। मुरब्बा में ड्राई फ्रूट्स आपके पसंद के ऊपर है, आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर दें। काला नमक डाल लेंगे, मिर्च पाउडर, मिक्स करेंगे सारी चीजों को अच्छे से। थोड़ी देर और पका लेंगे बिना ढक्कन लगाए। चाशनी हमें किसी तार की नहीं बनानी है, थोड़ी चिपचिपी सी हो जाए शहद की तरह, फिर हमारा मुरब्बा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मुरब्बा का चाशनी गाढ़ा हो चुका है, हमें जितना चाहिए बिल्कुल वैसे ही हो गया है। गैस को ऑफ कर लेंगे, इसको ठंडा होने देंगे। इसके ऊपर से जाली वाला ढक्कन लगाएंगे, कोई थाली नहीं रखेंगे, क्योंकि जब थाली से हम ढकेंगे थाली के ऊपर भाप की बूंदे जम जाती है, जो मुरब्बा में टपकेगा तो हमारा मुरब्बा खराब हो जाएगा। ऐसे बनाया हुआ मुरब्बा बिना किसी प्रिजर्वेटिव कि हम पूरे साल खा सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम मुरब्बा निकालें बिल्कुल साफ और सूखे चम्मच से निकालें, और मर्तबान का ढक्कन अच्छे से बंद होना चाहिए। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसको हम एयरटाइट डब्बे में बंद कर देंगे। हमेशा की तरह आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।